ये उस आदमी का कंप्यूटर पिक्चर है जो उस रात मेरे भाई के साथ शिकार पर गया था। इसका नाम सिंघानिया है और विजेंद्र सिंह रावल जी की मौत के पीछे इसका हाथ जरूर है सर। आप फिक्र न करें, अगर ये शख्स केप टाउन में है तो 7 दिन के अंदर अंदर ये हमारी हिरासत में होगा। You've done it. Thank you, Inspector. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much, yeah? इंस्पेक्टर साहब, 15 दिन के ऊपर हो चुके हैं, अभी तक सिंघानिया का कुछ पता नहीं चला। ये क्या हो रहा है? What is happening? मिस राजेश्वरी, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जरा धीरे से काम लीजिए। अरे राजी, ऐसा क्या काम कर रही है कंप्यूटर पे जो रात भर सोई नहीं? ले दूध पी ले। रख दो ना दाई माँ। किसकी तस्वीर देख रही है तू? हाँ ठहर ठहर, अपना ओम है ना, जब वो बुढ़ा जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, अंगूर से किशमिश बनते बहुतों को देखा। दूध पी ले ना। मगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये खुदकुशी थी? कॉन्फिडेंस? हमने तहकीकात की है, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस, और हमें ये भी पता चला है कि मिस्टर विजेंद्र सिंह रावल और उनकी बीवी के बीच काफी अनबन थी। बल्कि हमें ये भी पता चला, जिस रात उनकी मौत हुई वो अपनी बीवी से झगड़ा करके घर से निकले थे। मुमकिन है इसी वजह से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। देखिए, अगर आप लोगों ने सीधी तरह से इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए तो कंपनी से पैसे निकलवाने के 2 ही रास्ते हैं मेरे पास। अच्छा? कौन कौन से? या तो मैं कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, या फिर अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। ये लीजिए, पकड़िए, मुझे मार दीजिए। कम से कम मेरे मरने के बाद मेरे इंश्योरेंस के पैसे तो इस बेचारी को मिल जाएंगे। मेरा तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं। क्या क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? देखिए, आप लोगों को पैसा नहीं देना है, मत दीजिए। अरे पर हमने सोचा था कि पैसे आ जाएंगे तो लेनदारों के खर्चे चुका देंगे, पर ठीक है, मुझे वो अपमान मंजूर है, लेकिन आप मेरे ही घर में आके मेरे ही लोगों का अपमान करेंगे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जाइए आप, जाइए आप, प्लीज जाइए, मैं दवाई लाती हूँ। हेलो, सुनिए, वहाँ इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर हैरी आए होंगे, उनसे कहिए कि उनके कंपनी मैनेजर मिस्टर टोनी उनसे बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपका फोन है। हेलो, कैसा चल रहा है? बाकी तो सब ठीक चल रहा है सर, लेकिन उनका एक हमदर्द है यहाँ जो कि कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। नो 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 नो, उससे हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, उससे कहो कि कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं, उनके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सर, कत्ल का सबूत तो? डोंट वरी, सुबह ही हमारे ऑफिस में किसी ने इसका सबूत भेज दिया है। देखिए, आपका दवा मंजूर हो गया है, बस 2-4 दिन में आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सुनिए, हाँ, लगता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे भी अपना इंश्योरेंस करवाना है, मैं कब आऊं? ये सब एयरलाइंस के पैसेंजर्स की लिस्ट है पिछले 1 महीने की। केप टाउन में जितने भी पैसेंजर्स आए और जितने भी पैसेंजर्स गए,
उन सब के नाम और डेस्टिनेशन इसमें है। आपका चेक। आप नहीं होते तो ये इंश्योरेंस का चेक हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी ही अच्छी है। मैंने तो उनको सिर्फ फोन पर पूछा था कब आऊं, तो कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, आपके आने की जरूरत ही नहीं है, चेक आप तक पहुंच जाएगा। और देखिए चेक पहुंच गया। अच्छा चलता हूं। इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाइए ना। मुझे तो बस एक ही बात की जल्दी है राजेश्वरी जी, विजेंद्र सिंह जी के कातिल का पता लगाने की। लीजिए इंस्पेक्टर साहब आ गए, लगता है आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, कहिए कुछ पता चला कि वो कातिल कौन है? हाँ, आपको ये जानकर खुशी होगी मिस्टर ओम कि हमारे हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। हम जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे? अभी गिरफ्तार कर लेंगे? मैं पूछता हूँ आप लोग उसको गिरफ्तार करते क्यों नहीं है? पहले हथकड़ी तो निकाल लूं। मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंह घानिया, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ वजेंद्र सिंह रावत। आपके पास सबूत तो होगा? सबूत मेरे पास है, हा? और मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया है। रजत तुमने? हाँ भाभी, मिस्टर ओम ही महेंद्र प्रताप सिंह घानिया है जिन्होंने मेरे भाई और आपके पति को बेरहमी से गला घोटकर मार डाला। ये रहा सबूत, लीजिए पढ़िए। ये एयरपोर्ट के आने और जाने वाले मुसाफिरों का रिकॉर्ड है। पिछले 2 महीनों से किसी भी फ्लाइट से न महेंद्र प्रताप सिंघानिया शहर से गया या ओम श्रीवास्तव शहर में आया। यही है महेंद्र प्रताप सिंघानिया जिसकी पुलिस को तलाश है। दिस इज द मैन, दिस इज हिम, ही इज द गाय। देखिए मिस राजेश्वरी जी, आप जासूस तो बहुत अच्छी हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी अच्छा इंसान बनने में आपका कुछ और वक्त बाकी है। मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंघानी आया, जो कुछ भी नाम बता रही हैं आप, भले उनके केपटाउन से जाने का कोई रिकॉर्ड ना हो, मगर ओम श्रीवास्तव के केपटाउन में आने का रिकॉर्ड जरूर है, और वो आपको केपटाउन एयरपोर्ट पर नहीं बंदरगाह पर मिलेगा, क्योंकि मैं यहां पर हवाई जहाज से नहीं पानी के जहाज से आया था। क्या है कि मिट्टी का आदमी हूं ना, ज्यादा हवा में उड़ने से डर लगता है मुझे, और उसका सबूत है ये टिकट जहाज की। हा? I'm sorry, Mr. Om. It's okay, sir. हमने बेवजह आप पर शक किया। It's okay, it's okay, sir. Miss Rawal, आपने तो मेरी वर्दी ही उतरवा देनी थी। Thank you very much. Thank you. आइए। प्रणाम ओम जी। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम। विजेंद्र सिंह रावल की आत्मा की शांति के लिए आपने 100 अनाथ बच्चों को भोजन करवाने के लिए जो पैसा भिजवाया था उससे सारा भोजन का सामान लेके आया हूँ। जी, मिशनरी के पादरी भी अनाथालय से बच्चों को ले आए। ठीक है पंडित जी, देखिए मंदिर और पूजा का सारा सामान वहीं पे, वो वहीं पे लगा दीजिएगा। रामू जी, जगह साफ रखना, बच्चों को खाना वहीं पे खिला। जी सर। और हाँ, 150 बच्चे ज्यादा भी हो गए ना तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिलहाल ये रख लीजिए। प्रणाम। आइए पंडित जी। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते राजेश्वरी जी।
माफी मांगने आई हूँ। तुमने ठीक कहा था, मुझे अच्छा इंसान बनने में बहुत वक्त है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। जो सजा देना चाहते हो दो, मगर इस तरह चुप मत रहो। मैं जिंदगी भर ये बोझ उठाकर नहीं जी पाऊंगी। ओ मुझसे बात करो, ऐसे चुप मत रहो, मुझसे बात करो। राजी मेरा बैग दो। राजी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं दूंगी। राजी मेरा बैग दो। राजी क्या तलाश में मैं पागल हो गई थी, तुम ही हो जिसने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा नकाब उतर चुका है ओम श्रीवास्तव, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ नाटक करते रहे। तुम्हारे इरादे साफ हो चुके हैं, अब मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज यू ओम श्रीवास्तव, आई विल एक्सपोज यू। क्या कर रही हो? भागा हुआ चोर मिल गया राजी। चोर? कौन चोर? तुम्हारे भाई का कातिल। क्या तुम सिंघानिया का पता? Excuse me. Okay. हर चीज की कीमत होती है, थप्पड़ के कुछ ज्यादा ही 5 लाख। कल तुम ठीक 9:30 बजे डायमंड कैसीनो आ जाना। Alright. मगर अकेले, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके okay? ओम कभी नहीं। क्या नहीं, क्या हुआ? हाय ओम। हाय। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। बाय। अरे भाई साहब रानी, इतनी देर से किसको फोन कराए मार रहा है? अरे यार वो डायमंड कैसीनो वाली सानिया है ना, 5 लाख डॉलर खा के बैठी पड़ी है। चली किधर की? फोन उठाती नहीं है साली। क्या कर रहा है यार? अरे तूने मेरे को इधर 2 लाख लेने के वास्ते बुलाया बाबा। क्या 2 लाख यार? अरे खंजर के 2 लाख। भाई साहब बोल यार, बता भी नहीं समझता है। मुंह से बात किया करना कभी कभी यार। लो लग गया। हेलो हेलो, क्यों रही चिकनी? मेरे पैसे का क्या हुआ? अच्छा पैसा हैं? लेने के टाइम पे लाला लाला, देने के टाइम पे मुंह काला। अरे तू जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। मेरा पैसा जो सुन मेरी बात, जो मेरा पैसा खाता है ना वो दुनिया से उठ जाता है। क्या बोली जाफरानी? अंग्रेजी में गाली देती है साली। ओ। जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी। टेक इट योर फोन यार, बर्बाद करके रख दूंगा उसको मैं। पी प्यारा पी, मुफ्त जो पी परमन जो खोए ना पी। क्या न्यू यू में ड्रिंक प्लीज। देखो एक और लुखा आ गया। हे हम लुखा नहीं, हम गुंडा। अरे हम गुंडों की कदर करते हैं भाई। अरे ड्रिंक की क्या बात करते हो, ड्रंक हो जाए। थैंक यू यार। अरे जिंदगी में माल वाल कमाना है कि नहीं? क्यों किसी का मर्डर करना है? बाबा डायमंड कैसीनो में सानिया लड़की है ना, मेरा 5 लाख डॉलर खा के बैठी पड़ी है यार। निकलवा तो आधा तुम्हारा। सानिया मेरा भी दुश्मन है। I'll do your job free. शबाज। लेकिन हम सोचता है हम उसका मर्डर करें कैसे? अरे उसकी फिक्र तुम नहीं करो। ये भाई देखो युवाल भरे। मैं मारो ओ, नहीं खाली दिखाओ भाई। मारो मारो नहीं, इसे भी काम नहीं चले। देखो सही, ये हथकरी साली को पिना के मेरे सामने ले आओ। ठीक है
ये मेरा कार्ड है साईं। ओके आई विल डू योर जॉब फॉर यू मिस्टर जाफरानी। ओके सी यू, चिल आउट। अरे यार मेरा नाम दांदा यार ये। लगता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है यार, मानना पड़ेगा। अब ये सानिया बुलाएगा ना, देख मैं कैसे पैसे निकालता हूँ। पानी में गोते खिला खिला के पैसा निकालूंगा अभी यार। अच्छी है यार। पैसे लाई हो? लाई हूँ, लेकिन पहले कातिल का नाम बताओ। पहले पैसे, इसकी क्या गारंटी है कि तुम पैसे लेके सही नाम बताओगी? ओके की ओके। इधर आओ। यू वांट द बैग राइट? ये लो बिहेव। कातिल का नाम बताओ। लेट मी द किलर सेड। बिहेव योरसेल्फ। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। चमजी लेट मी द आई एम सॉरी। Tell me the killer's name. Kapil ka naam batao. Tell me. Sania! Sania! Oh my God! Sania! I'm sorry, sir. Pick it up. Come on. I'm very sorry. I said, pick it up. Come very, on. Very come on, faster. I said, I'm sorry. Come on. Pick it up. Hey, pick it up. Hey, pick it up. Come on, I pick it up. Sorry, sir. I said, pick I'm it doing up. It. Pick it up. I said, come on, pick it up. I said, sorry. Pick it up. Sir? What are you looking at me, huh? Pick it up. Come on, fast. Come on, pick it up, please, fast. Sir. You. Please, sir. Pick it up. Sir, please, sir. Sorry, please forgive me.
Please forgive me. Huh? Please forgive me, sir. I said sorry. Please forgive me, sir. You're such a human man. Say something. Sorry, sir. Please forgive me. Forgive me, no? Yeah, please. Please forgive me. I'm sorry. No, no, I'm really sorry. I'm sorry. Into your hands we commend our sister Sania Jacob. We are confident that with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day. We thank you for all the blessings you gave her in his life, to show your fatherly care for all of us and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Since Almighty God has called our sister Sania Jacob from this life to immortality, we commend our body to the earth from which you have made. For the first to raise us from the dead, let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed art thou. Dear friend. अरे किधर था तुम यार? वही सोता है कि क्या किधर है? देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। आदमी मरता है अपनी हरकतों से। मैं तो बोलता हूँ जो करेगा ना वो भरेगा इधर। वही तो मैं कह रहा हूँ जाफरानी, कि आपने भरा उस बिचारी ने आपकी हद कर। चुप। कितना चाहिए बोल सही? 5 लाख। 5? इंस्पेक्टर साहब, दिस इज रिडिकुलस। सानिया को विजेंद्र सिंह रावल के कातिल के बारे में पता लग गया था और उसी का कत्ल हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल अभी तक शहर में है और उससे राजेश्वरी की जान को खतरा है। अगर आप चाहें तो हम राजेश्वरी जी को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बाहर के खतरे से तो आप मुझे बचा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट माय ब्रेन? एक पल के लिए भी मैं उस खूनी को भूल नहीं सकती। ऐसे लगता है कि वो मेरे सांसों में बस गया है, लेकिन मैं इस घुटन को अपने चेहरे पर नहीं ला सकती, क्योंकि अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो दम तोड़ देगी। तब वो खाती है, तब वो पीती है, लोगों के ताने सुन सुन कर ऐसी हो गई है जैसे जिंदा लाश हो। कंट्रोल करो। चलो, कम ऑन, आई एम लीविंग। रज्जो, अर्जुन सिंह जी, नमस्कार। आप कब आए? आज ही। रज्जो कहाँ है? वो जरा बाहर गई है, बस आती होगी। सुमन बेटी, बहू, ये देखो विजेंद्र के चाचा जी आए हैं। जीती रहो बहू, जीती रहो। हम बहुत शर्मिंदा है कि विजेंद्र कृषात पर ना आ सके, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतों में फंस गए थे कि निकल ही नहीं पाए। जो होनी थी वो हो गई। आप दोनों बातचीत करिए, मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। चाचू। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा चाचू, वो आपके कैदी जो भाग गया था, उसका क्या हुआ? उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन हाथ नहीं लगा।
अर्जुन सिंह की वर्दी पर बस यही एक बदनुमा दाग लग गया रज्जू। पुलिस डिपार्टमेंट को यह शक है कि हमने भागने में उसकी मदद की, इसीलिए हमें नौकरी सस्पेंड कर दिया गया। अब हम यहां की जायदाद बेचकर हिंदुस्तान में बस जाएंगे ताकि किसी को ऐसा न लगे कि अर्जुन सिंह इल्जाम के डर से भाग निकला। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे ताकि एक पुलिस ऑफिसर की 35 साल की वफादारी पर लगा हुआ ये जो कलंक है ना खुल जाए। खैर बेटी अब मैं चलता हूँ, बहुत से काम करने हैं, वकीलों से भी मिलना है। मैं कागजात लेके आती हूँ। चाय लीजिए। जी चाचू, आप तो जानते ही हैं भाभी कितनी टूट चुकी है। उनका दिल बहलाने के लिए कल उनके जन्मदिन पर मैंने एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम किया है। आप जरूर आइएगा, सबका दिल बहल जाएगा। बेटी जरूर आएंगे। साफरानी सेठ, अरे साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा मिलियनेयर, इतना बड़ा सेठ, सड़क पे खड़ा है बाबा, मेरा भी कचरा होता है, सोचो। तुम्हारा कचरा किधर से होता है यार? तुम जैसे लुखों की वजह से तो मैं सड़क पे आया हूँ। बात करते हो, तुम्हारा कचरा होता तो पैसा दी और चलो। दाफरानी सेठ, गोदी में मेरा माल आके पड़ा हुआ है 5 लाख। चुप कर, पैसे की बात नहीं कर। मैं कर्जे का धंधा बंद करके बैठा पड़ा हूँ। जो दिया पैसा मेरे को मिल जाए ना तो साउथ अफ्रीका छोड़ के इंडिया चला जाऊंगा, झूले लाल का भजन करके जिंदगी पूरा गुजारूंगा, समझा? ये विजेंद्र के चाचा इंडिया से आया हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, पैसा हमारा देते नहीं है। 6 बजे से खड़ा पड़ा हूँ इधर। अरे उतर भाई, ये देखो आया, देखो मोबाइल में घुसा पड़ा है। हाँ, मुझे कुछ डिटेल्स तो मिले हैं, लेकिन जब तक मुझे सारे सबूत नहीं मिलते तब तक मैं उसके गिरेबा पे हाथ नहीं डाल सकता। वो लड़का हमारे घर वालों से काफी घुल मिल गया है। I'll get some more proofs and get him, okay? Bye. अरे भाई, वो तो वो विजेंद्र रावल का चाचा है ना। हाँ तो? अरे बाबा, मेरा पैसा लिया हुआ था, उसका मैंने पैसा पूछा तो कुत्ते को मार दिया और खुद भी मर गया। ना उसके घर में उसकी बीवी सुनती है, ना बहन सुनती है, कैसे कमीने लोग हैं यार। अबे एक छापड़ मारूंगा ना तो 32 सड़क पे गिर जाएगी तेरी। अरे यार, ये तो चाय से ज्यादा केतली गड़े में यार। अरे तुमने उसका प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ किया है ना। हाँ तो क्या? तो मेरा पैसा सूद के साथ दियो, वरना देखो बोलता हूँ मैं। वरना क्या? धमकी देता है मुझे? धमकी देता है क्या? मुझे कुछ बोलना है? नहीं नहीं नहीं, ब्लडी शिट, बड़ी जाफरानी, ये आदमी सच बता रहा हूँ, आपका पैसा नहीं देगा। ये क्या नहीं देगा? इसका बाप भी देगा, बाप भी। इसका डेड बॉडी भी लाके मेरे दरवाजे पे बैठा देगा। बात करता है इसके पैसे से, तुमको क्या इंटरेस्ट है यार? बात करता है। जेलर साहब, बहू तो बाहर गई है। ठीक है, जैसे सुमन आ जाती है उसे कहिएगा कि मुझे मेरे होटल पे फोन करे, जरूरी काम है। थैंक यू।
हेलो। हाँ अंकल, आपने फोन करने के लिए कहा था। हाँ बहू, मैंने तुम्हें कैदी के बारे में कहा था ना। हाँ? हाँ, वो इंडिया में गिरफ्तार हो गया। मैं आज रात की फ्लाइट से इंडिया जा रहा हूँ। लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अस्थमा, अस्थमा का अटैक आ गया। पहुँचते फोन करूँगा। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। हाँ मैं ख्याल रखूंगा। Something serious. Uncle! Uncle! My uncle! 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 आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। Uncle! 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 आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। Uncle! Uncle! You cannot leave me like that. Uncle! आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। Uncle! Uncle, get up, uncle! Uncle, get up! Uncle, uncle, you cannot leave me like that, uncle! Uncle, uncle, get up, uncle! Uncle, he's not breathing. What he's happened? Not breathing. What's the matter? Tell me, what's the matter? Get the ambulance, please. Get the ambulance, please. My uncle is dying. Get the ambulance, please. Get the ambulance, please. Can't you see my uncle is dying? Huh? Come on, hurry up. Uncle. Ambulance aa rahi, uncle. Aap mujhe chhod ke mat jana. Mujhe mat chhod ke jana, uncle. Warna main phans jaunga, uncle. मैं मर जाऊंगा अंकल, मैं मर जाऊंगा अंकल। अंकल अंकल गड़ा अंकल गड़ा अंकल। I'm sorry, he's dead. No, he cannot die like that. अंकल, या अंकल, अंकल, या मैं बच गया। I don't need any ambulance now. Come on!
सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है। सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है। मैं तेरे को कुछ नहीं बोलता हूँ। जिसने तेरे को इधर का पता बताया है ना, उसको गोली से उड़ा दूंगा। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ। तेरे से बचने के लिए मैं जंगल के फार्म हाउस में आके बैठा पड़ा हूँ। तू इधर भी आ गया और बैठे बैठे मेरा 5 किलो काजू खा गया तू यारे। अच्छा वह बदाम नहीं रखा, बात मार दिए। पोकेशन हो गया यार, मैं दरवाजा खोलता हूँ। बिना चलिया लख जाना था। अरे बाप रे, अरे भाई जाफरानी, ये तो अर्जुन सिंह आपका दुश्मन मरा पड़ा है। मैंने मारा है क्या? अरे नहीं बाबा, उसका डेड बॉडी तो आपके घर में पड़ा है। तो क्या करूं? अभी आपको 10 लाख तो मेरे को देना पड़ेगा। अच्छा देता हूँ। आज था बोल यार, तो आजू बाजू से भी कर्जा मांगने आया करेंगे यार। तू यार देखो आ गया। अरे मैं लुकाऊ, मेरे पास पैसा नहीं है। कर्जा वर्जा देना बंद किया। चलो हेलो बाजू में जाओ। पुलिस, ओपन द डोर। पुलिस किधर से आ गया यार? पुलिस इधर हाथ लगा दिया। डेड बॉडी को हाथ लगाने का 10 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा। कैसा आदमी है यार, दे दूंगा। चल अभी उठा ले यार, हाथ लगा। अरे लाल, कैसा मुड़त निकला था जब ये कर्जे का धंधा मैंने शुरू किया था। बाप ने मरते वक्त बोला था स्मगलिंग छोड़ के कर्जे का धंधा नहीं करो। कर्जे का धंधा करके मैं फंस गया हूँ यार। आइए इंस्पेक्टर साहब। देखिए मिस्टर जाफरानी, डायमंड कैसीनो वाली सानिया का जो कत्ल हुआ है, हमें पता चला है कि आपने उसे कुछ कर्जा दिया था। हाँ, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अरे उसी हरामखोर ने तो मेरा पैसा डुबाया है। Who is he? ये मेरे अंकल हैं, इंडिया से आए हैं, कर्नल जाफरानी। वार में से आए ना, जंग में से लड़के, तब से खुद से बड़बड़ाते हैं। डिस्टर्ब है। खैर, सानिया को जो पैसा दिया है वो वापस मिल सकता है क्या? अगर आपने सानिया को कुछ पैसा दिया है तो आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उसे फोन पर किसी ने पैसा ना लौटाने के लिए मारने की धमकी दी थी। मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा मैंने नहीं दिया है। हमें शहरिया के लिए पूछता है, जितने भी दिया होगा गरीब, मर गया तो पैसा जाता है ने? आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया ने? अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। अच्छा जी, क्या मैं अंकल से बात कर सकता हूँ? अंकल से? अंकल डिस्टर्ब है थोड़ा, मेंटली। इंडिया से आए है ना? अच्छा, पूछता हूँ मैं। अरे यार, ये चरिया मुर्दे से बात करना चाहता है, क्या करे यार? पगल, भगा उसको। माता तुम्हें चरिया, मेहरबानी करता है साला मारता है, लाखों लेता ऊपर से मारता है। आज सामान लुका। ओके अंकल, जीते रहो। देखा डिस्टर्ब है ने? थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आप बात करना चाहें तो। नहीं, रहने दीजिए, रिलैक्स कर रहे हैं ना। मैं फिर कभी आऊंगा। भले नेक्स्ट वीक आओ घर पर। ओके बाय अंकल। पहले सिगरेट तो निकाले। अरे छोड़ हाथ, बड़ा पेपर पड़ता है सारा, छोड़। क्या भाई,